चलिए आइए अब हम लोग करते हैं टर्मिनल एक्सरसाइजेस। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो आइए देखिए कैसे आपको आंसर्स करना है। नंबर वन, लिस्ट द फोर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फूड। अब देखिए खाना इसका जो कार्य है, तो आपको बताना है चार महत्वपूर्ण कार्य किसके, फूड भोजन के। द फोर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फूड आर, भोजन के चार महत्वपूर्ण कारण क्या क्या है। पहला, फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, खाना हमें काम करने के लिए ऊर्जा देता है। दूसरा, फूड हेल्प्स इन आवर ग्रोथ एंड इन रिपेयरिंग वोन आउट टिश्यूज, खाना खाने से हमारा विकास होता है और जो हमारे शरीर का टिश्यूज है, अंग है, जो खराब हो चुका है वो रिपेयर होता है, वो ठीक होता है। थर्ड, फूड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीजेस जर्म्स। अब हम लोग अगर अच्छे से खाना खाएंगे तो हमारा शरीर वो सब कीटाणु से लड़ पाएगा जिससे हम लोग बीमार होते हैं, तो जो लोग अच्छे से खाते हैं वो बीमार नहीं होते हैं जल्दी। फोर, फूड सेटिस्फाई हंगर एंड मेक्स द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी नॉर्मल, खाना खाने से आपका भूख मिटता है और आपका शरीर अच्छे से काम करता है। क्वेश्चन टू, रेकमेंड थ्री एनर्जी गिविंग फूड फॉर एन एक्टिव स्कूल गोइंग चाइल्ड। अब मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि स्कूल जाता है, तो उसके लिए आप तीन ऐसे खाना बताइए जिससे उसको ऊर्जा मिलेगी। द एनर्जी गिविंग फूड फॉर एन एक्टिव स्कूल चाइल्ड इंक्लूड्स, अब क्या क्या चीजें हैं उसमें, फूड रिच इन प्रोटीन्स लाइक मीट, एग, फिश, मिल्क, कर्ड, चीज एटसेट्रा। अब वो सब खाने जिससे आपको प्रोटीन मिलेगा, मांस, अंडे, मछली, दूध, दही, चीज। फूड रिच इन मिनरल्स लाइक मिल्क एंड गिवन वेजिटेबल्स। अब देखिए वो सब खाना जिससे आपको खनिज मिनरल मिलेगा, आप दूध पी सकते हैं, बच्चों को दूध दे सकते हैं, उनको सब्जियां दे सकते हैं। फूड रिच इन विटामिंस लाइक फ्रूट, पल्सेस, सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। अब वह खाना जिससे आपको विटामिंस मिलेगा, जैसे आप फल खा सकते हैं, पल्सेस, सीरियल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां आप खा सकते हैं, ये सब बच्चों को दीजिए, उनके सेहत के लिए अच्छा होगा। आगे, जस्टिफाई द नीड ऑफ एक्स्ट्रा कैल्शियम एंड आयरन इन डाइट ऑफ एडोलेसेंट्स। अब जो किशोर होते हैं, कौन सा एज होता है ये, 10 to 19 ईयर्स, ठीक है, इसके जो बच्चे होते हैं इनको एक्स्ट्रा कैल्शियम और आयरन की जरूरत होती है। क्यों, मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड आर फाउंड इन बोन्स एंड टीथ, एंड इन केस ऑफ एडोलेसेंट्स कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट एज इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बोन्स। अब देखिए मिनरल्स जैसे कैल्शियम हुआ, ये कहाँ मिलता है, हमारे हड्डियों में, दांतों में होता है, ठीक है। तो जो किशोर बच्चे हैं, 10 साल से 19 साल की उम्र के बच्चों को कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इस समय उनका शरीर बढ़ रहा होता है और उनके हड्डी मजबूत हो। ऑल्सो आयरन इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हीमोग्लोबिन इन द ब्लड विच कैरीज माइजेन टू दी वेट विच कैरीज minerals to the different parts of the body, and in case of adolescence in between 10 to 19 years iron requirement of the body increases. अब देखिए जो आयरन होता है वो हमारे शरीर में ब्लड बनाने के लिए, हेमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत जरूरत होता है उसका, क्योंकि अगर आपके शरीर में हेमोग्लोबिन ठीक होगा तो इससे जो मिनरल्स है वो आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच पाएगा, और 10 से 19 साल के बच्चों के लिए, किशोरावस्था का जो एज है, उसमें आपके शरीर को इन सब चीजों का, कैल्शियम और आयरन का बहुत जरूरत होता है। क्वेश्चन 4, राइट नेम्स ऑफ एनी फोर डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड मेंशन वन सिम्टम ऑफ ईच। अब देखिए आपको किसी भी चार डेफिशिएंसी डिजीज का नाम बताना है और सब का क्या सिम्टम होता है वो बताना है, ठीक है। अब देखिए सिम्टम का हिंदी क्या होता है, लक्षण, ठीक है। फोर डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड देयर सिम्टम्स आर, चार पोषण अभाव रोग और उनके लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, क्वाशिरकोर कॉज ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड द सिम्टम आर डायरिया एंड अदर इन्फेक्शन दैट ऑकर ड्यू टू लो बॉडी रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। अब देखिए क्वाशिरकोर ये एक
ऐसा बीमारी है जो आपके शरीर में जब प्रोटीन की कमी होगी तब होगा, और इसके लक्षण क्या है, आपको डायरिया हो जाएगा या दूसरे प्रकार के इन्फेक्शन हो जाएंगे आपके शरीर में। सेकेंड, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी कॉज ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ विटामिन ए एंड द सिम्टम्स आर ड्राइनेस ऑफ आईज एंड द कंजक्टिवा बिकम्स रिंकल्ड। आप देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस आपको कब होगा, जब आपका शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी, और इसके लक्षण क्या है, आपका जो आंख है वो सूख जाएगा और जो कंजक्टिवा है वो सिकुड़ जाएगा। तीसरा, स्कर्वी कॉज ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ विटामिन सी एंड द सिम्टम इंक्लूड वीकनिंग ऑफ गम्स बोन्स एंड टीथ। अब स्कर्वी ये कब होगा, जब आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होगी, और इससे क्या होगा, आपके मसूड़े, दांत, आपकी हड्डियां, ये सब कमजोर पड़ जाएंगे। फोर, एनीमिया कॉज ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ आयरन, द सिम्टम्स इंक्लूड टायर्डनेस, रेस्टलेसनेस एंड फटीग ऑल द टाइम। अब देखिए, अनीमिया ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपको क्या होगा, हर समय थकान लगेगा, आपको बेचैनी होगी, ठीक है, और ये तब होता है जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए, ठीक है, आयरन की कमी से ये होगा। आगे देखिए, मैच द न्यूट्रिएंट गिवन इन कॉलम ए विद देयर फंक्शन इन बी। आप देखिए, बी में फंक्शन है, यहां विटामिन है, इनको मैच करना है। सबसे पहला विटामिन एंड मिनरल्स, अब मैच द कॉलम में पहले सेकंड पार्ट पढ़िए, बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, एनर्जी गिविंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल, इससे क्या होता है, ये प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, ओके। प्रोटीन्स से आपका काम क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग, ठीक है, ये सबका काम है, डिटेल में हम लोग चैप्टर में पढ़े थे अभी। आगे देखिए, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अब यहाँ पे जो है ये सब, इसको हम लोग को पूरा करना है, ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था, ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये एक टेबल में था, और ये हम लोग को उसका मुख्य कार्य, स्रोत, फंक्शन, फिर सोर्सेज, फिर इसे कम होने से क्या होगा, अगर आपका ये विटामिन नहीं हो तो क्या होगा, वो टेबल में था। यहाँ पे हम इस तरह से लिखे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है विटामिन बी, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, द फंक्शन दैट आर दैट इट हेल्प द बॉडी टू यूज एनर्जी एंड कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, इट्स सोर्सेज आर पल्सेस, होल ग्रेन एटसेट्रा, इट्स डेफिशियंसी कॉज सोर माउथ, सोर टंग, रेडनेस ऑफ द टंग एंड कट्स एट द एंगल ऑफ द माउथ। अगर आपके शरीर में विटामिन बी की कमी होगी तो क्या होगा, पहले इसकी कार्य देखिए। विटामिन बी का काम क्या है, हमारे शरीर में जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल करना, हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना। ये कहाँ से मिलता है, पल्सेस से, होल ग्रेन से, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी की कमी होगी तो क्या होगा, उसका मुंह में दर्द होगा, जीभ में दर्द होगा, फिर उसका जो जीभ है वो लाल पड़ जाएगा, और जो मुंह का कोना है वो कटने लगेगा अपने आप विटामिन सी की कमी से। व्हाट इज विटामिन सी, फंक्शन, सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी। अगर किसी के शरीर में विटामिन सी का कमी है तो क्या होगा, पहले यहां पे फंक्शन देखिए, द फंक्शन दैट इट हेल्प्स टू होल्ड द सेल्स टूगेदर एंड कीप आवर टीथ एंड गम्स हेल्दी, इट्स सोर्सेज ऑफ फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, इट्स डेफिशियंसी कॉजेज स्कर्वी। फंक्शन क्या है विटामिन सी का, ये हमारे जो सेल्स है उनको एक साथ रखने में हेल्प करता है, हमारे दांतों को और मसूड़ों को ये स्वस्थ रखता है। ये हम लोगों को कहाँ से मिलता है, फलों से, पत्तेदार सब्जियों से, और अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होगी तो आपको स्कर्वी बीमारी हो जाएगा। विटामिन डी, द फंक्शंस आर दैट इट वर्क्स विद मिनरल्स टू मेक टीथ एंड बोन्स स्ट्रांग, इट्स सोर्सेज आर मिल्क, ऑयली फिश एटसेट्रा, इट्स डेफिशियंसी कॉजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स। विटामिन डी का काम क्या है, ये मिनरल्स के साथ, खनिज के साथ काम करता है ताकि हमारा दांत और हड्डी मजबूत बने। ये हम लोग को दूध से, ऑयली फिश, यहाँ से मिलता है। और अगर आप किसी के इंसान के शरीर में विटामिन डी की कमी होगा तो क्या क्या बीमारी होगा, बच्चों को रिकेट्स नाम की बीमारी होगी, और जो किशोर हैं, अडल्ट्स, उनको ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होगी। कैल्शियम, द फंक्शन दैट आर दैट इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग
of bones and teeth and in the movement of muscles. Its sources are milk and greeny leafy vegetables, etc. Its deficiency causes weakening of bones and muscles. अब देखिए कैल्शियम की कमी से क्या होगा. कैल्शियम का फंक्शन पहले देखिए, इसका कार्य है आपके हड्डियों को, दांतों को मजबूत करना और आपका जो मसल्स है, मांसपेशियां, उनको मूवमेंट करने में ये हेल्प करता है. कहाँ से मिलेगा? दूध से, हरे पत्तीदार सब्जियों से. और अगर आपके शरीर में विस कैल्शियम की कमी है तो आपके हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगे, आपके मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगे. आयरन, द फंक्शंस आर दैट इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कॉल्ड हीमोग्लोबिन व्हिच कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. अच्छा, यहाँ पे जो आगे का क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे मिनरल्स नहीं होगा, मिसप्रिंट था, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि, और क्या बोल रहा है, सोर्सेज आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड होल सीरियल्स एटसेट्रा. इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज अनीमिया. अब देखिए लोहा, लौह पदार्थ जो है उसका काम क्या है, वो कंपाउंड एक बनाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो हमारे खून के अंदर मिलता है और ये हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है. ठीक है, कहाँ से मिलेगा आपको आयरन? लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां और होल सीरियल से, साबुत अनाज से. इट डेफिशिएंसी, ये होने से क्या होगा, अगर आयरन कम है तो आपको अनीमिया नाम की बीमारी हो जाएगी, आप थकेंगे, आपको हर समय टायर्ड फील होगा, आप कोई भी काम पूरी अच्छे से नहीं कर पाएंगे. आयोडीन, द फंक्शन आर दैट इट हेल्प्स इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर ब्रेन एंड द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. इट्स सोर्सेज आर आयोडाइज सॉल्ट्स एंड सी फूड्स एक्सेट्रा. इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस क्रेटिनिज्म. अब देखिए जिस पे आयोडीन की कमी होती है तो क्या होगा, उसको बौनापन होगा. कहाँ से मिलेगा? आयोडाइज सॉल्ट और सी फूड से. काम क्या है? हमारे दिमाग को और हमारे शरीर के विकास को बनाना, ये आयोडीन का काम है. वाटर, पानी. द फंक्शंस आर दैट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द बॉडी फ्लूइड्स एंड डाइजेशन ऑफ फूड एंड कीप्स बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. इट्स सोर्सेज आर वाटर. इट डेफिशिएंसी कॉजेज डिप्लीशन ऑफ वाटर इन द बॉडी. अब देखिए पानी का काम क्या है, ये हमारे शरीर में जितना भी फ्लूइड्स है, ये इसमें पानी रहता है. ठीक है, ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, ये हमारे खाना को पचाने में मदद करता है, साथ ही साथ हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको ये बनाए रखता है और हमारे शरीर में जो गंदगी है वो पेशाब के रास्ते, पेशाब की तरह निकल जाता है. ठीक है, पानी का स्रोत क्या है? पानी ही है. और जिस व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी होगी उसको क्या होगा? बहुत तकलीफ होगा.